अगर दोस्तों आप हमारे पहली बार इस चैनल पे विजिट हुए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर जानकारी फ्री में आपके पास पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास डिलिंक के राउटर के बारे में कि दोस्तों आप जो है वो अपने कंप्यूटर के जरिए डिलिंक के राउटर की सेटिंग्स जो है वो दोस्तों कैसे कर सकते हैं, यानी पहली बार अगर आप सेटअप करने वाले हैं तो कैसे जब दोस्तों आप कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए। दोस्तों दो वेज होते हैं, एक तो होता है आप वाईफाई के थ्रू जो है वो अपने राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर दोस्तों आप जो है वो अपने वायर्ड केबल के जरिए दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही प्रोसेस के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है दोस्तों वो बिल्कुल सेम होता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं कि कैसे दोस्तों आप जो है वो अपने डिलिंक राउटर की सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जो देखते रहिए और सीख लीजिए कैसे करें। इसके लिए दोस्तों जैसा हम हमेशा से कहते हैं आपको कुछ खास और बड़ा नहीं करना है, आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो दोस्तों उनको अपना लीजिए और उसके बाद दोस्तों आप अपना वो काम कर पाएंगे जो करने के लिए यहाँ पर भेजे हैं। तो दोस्तों जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों आप जो अपने वाईफाई के कनेक्शन में जाइए, वहां से दोस्तों आप जो दोस्तों आपके डिलिंक का जो है वो पहली बार कोई पासवर्ड नहीं होगा, अगर पासवर्ड हो तो दोस्तों जैसा हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं आपको उसके बिल्कुल पीछे जो है दोस्तों आपको मिलेगा। जैसे ही आप राउटर को नीचे की तरफ से देखेंगे दोस्तों तो आपको एक स्टिकर वहां पर मिलेगा और उसमें आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है वो डिलिंक के राउटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन पे करेक्ट पे क्लिक करके देखिए दोस्तों बिल्कुल आपके सामने कनेक्शन जो है वो हो रहा है, बिल्कुल कनेक्ट जो है वो दोस्तों हो चुका है और कनेक्टिंग टू डिलिंक। दोस्तों इस समय जो है वो कनेक्शन तो हो जाएगा लेकिन हमारा इंटरनेट जो है दोस्तों एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों हमने जो उसकी सेटिंग्स जो है वो नहीं की है। अभी दोस्तों हम लोग जो है वो विजिट करते हैं एक गूगल क्रोम के न्यू टैब में और वहां पर दोस्तों हमें ओपन करना है 192.168.1.1 और उसको जो है एंटर दबा देना है। जी दोस्तों हमें जो है उसके बाद एंटर दबा देना है। दोस्तों आपके सामने बिल्कुल दिखाया जाएगा आपका डिलिंक का जो है दोस्तों लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आपके पास में एडमिन, उसके बाद दोस्तों हमेशा पासवर्ड एडमिन होता है और कई बार जो है उसका पासवर्ड ब्लैंक भी जो है दोस्तों होता है, वहां पे एडमिन का एक बार कोई भी पासवर्ड जो है दोस्तों नहीं होता है। दोस्तों हम लोग एडमिन के बाद दोबारा से एडमिन एंटर कर लेते हैं और लॉगिन जो दोस्तों कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे सामने जो है वो सेटअप विजार्ड जो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर दोस्तों हम लोग जो है वो अपने इंटरनेट कनेक्शन की सेटिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें क्लिक करना है सेटअप विजार्ड पे। जी दोस्तों हमें क्लिक करना होगा सेटअप विजार्ड पे, उसके बाद दोस्तों हमारे सामने प्रोसेसिंग होगी, कुछ सेकंडों की प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने न्यू विंडो जो दोस्तों खुल जाएगी, वहां पर फिर से आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग चलती रहेगी, आपके सामने जो दोस्तों ऑप्शंस आते रहेंगे, आप नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है वो आपके आईएसपी की जानकारी जो दोस्तों आपसे पूछी जाएगी। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों आपसे पूछा जाएगा आपके आईएसपी की इन्फॉर्मेशन। आईएसपी की इन्फॉर्मेशन से दोस्तों हम बता दें आपको कि जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपकी जो इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी, वहां से तो दोस्तों आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, उसकी जरूरत आपको यहां पर होगी। लेकिन दोस्तों आप जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को लेने से पहले आप दोस्तों ये ध्यान कर लीजिए कि आपका जो है वो कनेक्शन किस में चलेगा, पीपीओई में या फिर दोस्तों डायनेमिक आईपी, बहुत सारे जो है यहाँ पर सिस्टम होते हैं, ब्रिज भी होता है, आईपीओ ओए होता है दोस्तों, तो आप दोस्तों इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल द ऑल ब्रॉडबैंड पीपीओई पे जो दोस्तों चलते हैं तो पीपीओई डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है आपके यूजर नेम के बारे में, तो आप यूजर नेम में अपना जो यूजर नेम आपको वहां से आगे से मिला है दोस्तों वो एंटर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो पासवर्ड है वो एंटर कर लीजिए यहाँ पर फिर से, आपको दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिक जो यूजर नेम भी दोस्तों जो है वो मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे आपके सामने जो है वो प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद फिर से आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। वहां पर दोस्तों आपसे जो है आपके एडमिन का पासवर्ड जो है वो चेंज करने के लिए पूछा जाएगा ताकि कोई और जो है वो राउटर के साथ कुछ भी जो है वो चेंजेस ना कर पाए। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको जो है दोस्तों एडमिन से हटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको स्किप भी करते हैं तो खास प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके वाईफाई राउटर तक किसी और की पहुंच जो दोस्तों ना हो। इस तरह से दोस्तों हमारा जो सेटअप कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल आपके सामने दिखाया जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल नीचे आपको जो है वो अप्लाई करना है, उसके बाद आपका राउटर जो है दोस्तों रिस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इंटरनेट से जो है वो कनेक्शन कर पाएंगे, इसकी सेटिंग्स जो है दोस्तों कर पाएंगे। इस राउटर या फिर डिलिंक के किसी भी राउटर के बारे में दोस्तों आप अगर कोई और खास जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया है, वहां पर आप अपनी जानकारी जो दोस्तों पूछ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी,
अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा दीजिए। अगर आपने राउटर का सेटिंग्स जो है वो अच्छे से कर लिया है तो लाइक बटन दबा दीजिए, और वीडियो के नीचे आपको एक शेयर बटन मिलेगा, शेयर बटन से अपने उन दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दीजिए जो यूजर्स हैं ब्रॉडबैंड के। तो दोस्तों अभी के लिए आपको नीचे दिया एक सब्सक्राइब बटन रेड कलर में, अगर आप पहली बार हमारे पास विजिट हुए तो दोस्तों उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि तभी हम आप तक जो है इस तरह की खास जानकारियां लेकर के आ सकेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और सीखते रहिए कैसे करें।